हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। टू व्हीलर निर्माता कंपनी यामाहा फरवरी 2018 में R15 वर्शन 3 लॉन्च किया था। हम बात कर रहे हैं यामाहा कंपनी की नई स्कूटर न्यूज 80 के बारे में। बात दे यामाहा न्यूज 80 विदेशी बाजार में पहले से ही बिक्री के लिए उपलब्ध है। यामाहा कंपनी इस साल के अंत तक न्यूज 80 को भारतीय बाजार में पेश करने की योजना बना रही है। यामाहा न्यूज 80 इंजन। यामाहा न्यूज 80 में 79.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन लगा है, जो अधिकतम 7.5 BHP की ताकत और 6 Nm का टॉर्क पैदा करता होगा। इस गाड़ी में 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इस गाड़ी की टॉप स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। यामाहा कंपनी ने न्यूज 80 की अनुमानित कीमत जारी की है, जो 29,999 रुपये है। यह भारत की सबसे छोटी इंजन वाली स्कूटर बन जाएगी। देखा जाए तो भारत की सबसे छोटी इंजन वाली स्कूटी TVS पैक थी, जिसमें 87.8 सीसी का इंजन लगा हुआ था। दोस्तों, आपको यह गाड़ी कैसी लगी आप नीचे फॉलो बटन पर क्लिक कर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।